हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं राजनांदगांव, और राजनांदगांव में आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि गंज मंडी जहाँ सुमित बाजार लगता है, वहाँ पे वैष्णो देवी का गुफा बना हुआ है, तो उन्हीं के दर्शन करने और माहौल देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा झांकी पंडाल यही है, और आप देख लीजिए मैदान बड़ा है करके, पार्किंग यही है, मेला यही है, झांकी यही है, और इधर सुमित जंक्शन जाने वाली, सुमित बाजार जाने वाली है। ये देखो, ये है मेन गेट, और इसके अंदर फिर और गेट मिलेगा। यहाँ से हो जाता है गेट और सजावट की शुरुआत। बहुत ही अच्छा लग रहा है सजावट आपका। यहाँ से फुहारा लगाए हुए हैं, और फुहारा में ना परफ्यूम वाला वाटर आ रहा है, जिसकी वजह से सुगंध कर रहा है। और इधर पूरा क्या है, सेल्फी जोन, सेल्फी जोन। भीड़ भाड़ मस्त है, बहुत ज्यादा रस है अभी यहाँ पे। इधर है सेल्फी जोन, और हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं, देखो, दर्शन करने के लिए। रस को देखिए, और उधर भी लाइन लगने हैं, लगे हुए हैं। और ये है मीना बाजार वाला, जो अभी बंद है। ये पूरी लाइन वैष्णो देवी की गुफा दर्शन के लिए लगी हुई है। इधर भी है, और आपका इधर भी है, मतलब काफी भीड़ है भाई, काफी भीड़। मेरे को लगता है इस लाइन को खसकने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। हम भी वैसे ही लाइन लगाए हैं, लेकिन मैं आगे जाके दिखा रही हूँ आपको। इधर भी देखो कितना, मतलब भीड़ है, बाप रे। और ये है वैष्णो देवी का फ्रंट लुक। ये है फ्रंट गेट, जो काफी भी है। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा हुआ है कैसे कैसे हाई करके, और अभी आप भीड़ के साथ में देख सकते हैं। पीछे 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 आप लोगों ने देखा होगा, कटरा जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वहां भी लाइन लगाते हैं। ये वही लाइन दिख रही है, पूरी नजर आ रही है मेरे को, तो पूरा सेम वही लाइन लग रही है। पूरी आधे रात तक हम लोग ना लाइन लगाते हैं वैष्णो देवी में, वही हाल है यहाँ भी। अब हमारी भी लाइन थोड़ी थोड़ी ज़्यादा जल्दी खसक रही है, फिर थोड़े देर में हो जाते हैं वन वे, और एक लाइन से जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, और हाँ एक बात बता दूँ, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। इधर से थोड़ी सी वीआईपी वाले की एंट्री है, जैसे बड़े बड़े शॉप वाले हो गए, या बड़े चंदा देने वाले हो गए, उन लोगों के लिए वीआईपी गेट है, और बाकी हम सब जनरल से जा रहे हैं, लेकिन किसी भी कहीं भी टिकट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा पंडाल है, खर्चा भी बहुत आया है, पर भी कोई टिकट नहीं है। अब हम एंट्री कर लिए, एंट्री करते तो सबसे पहले गणपति जी का हो जाता है दर्शन, और ये रही गुफाएं, तो गुफाएं में कपड़े अलग अलग लगे हैं, जिससे आपको कलर अलग अलग दिखेगा लाइट के वजह से। इसी कारण आपको कैसे बनाए, क्या बनाए, सारे आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। मैं बन रहा था तभी आप लोगों को झलक दिखा दी थी, और आज आई हूँ मम्मी को लाइटिंग का नज़ारा दिखाने के लिए, तो मैं सोची चलिए आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ साथ ही साथ में। अब इधर से और जा रहे हैं, और हाँ, भगदड़ का कोई नामों निशान नहीं है, सब लोग कतारबद्ध जा रहे हैं, जिससे कोई हड़बड़ नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, ना कोई छेड़छाड़ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे है लक्ष्मण झूला, आपका झरना दिखेगा, और झरना के ऊपर में आपको लक्ष्मण झूला है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी चढ़ा रहे हैं, जिससे आपको लक्ष्मण झूला का आनंद लेने में मज़ा नहीं आएगा। यही मेरे को दिक्कत लगा, कोई बात नहीं, सबको पब्लिक को दर्शन करना है। अब आ गए हम लोग अर्धकुंवारी में, और अर्धकुंवारी में आपको एक स्पेशल चीज़ दिखेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी। देखते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और राजनांदगांव के होंगे तो झांकी देखने जरूर आ जाएंगे। यहाँ पे माता घंटा देवी विराजमान है, जो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है, और ये घंटा भी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं आगे, मैं और भी आपको स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे है गुदर गुदर खंडकता, और ये है अग्नि, जहाँ पे अर्धकुंवारी के पास से आपको अग्नि, आग से गुजर के जाना पड़ता है। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, आपको
लाइटिंग के थ्रू आपको अग्नि दिखा रहे हैं। ऐसे आपको पार करके जाना होगा। उसके बाद में देवी मैया आपको स्थापित बैठे हुए झांकी मिल जाएंगे। तो बताइए कैसा लगा आपको, मतलब फ्री में दर्शन कर रहे हो तो उसके हिसाब से ये पंडाल बेस्ट है। अब आई कूलिंग वाली गुफा, जहाँ पे बर्फीले वाली गुफा रहती है उसके अंदर हम घुस रहे हैं। ये शो हो रहा है यहाँ पे, पूरा कॉटन से फोम से बना हुआ है बर्फ, और इधर भी झांकी बहुत ही अच्छी लग रही है, जो यहाँ पे दर्शा रहा है माता का चरण पादुका, जो चरण पादुका रहता है माँ का, वैष्णो देवी माँ का, उसको दिखा रहे हैं। इधर है पूरा अंधेरा और मैं जला ली मम्मी के लिए टॉर्च, क्योंकि थोड़ी सी डर लगती है ऊपर ना हो जाए करके। अब हम भी चले जाते हैं और लो भाई आ गए जिस गुफा में आए हैं उन माता रानी का दर्शन। यहाँ पे तीनों देवी बैठे हुए हैं और आपको पता ही है वैष्णो देवी में कौन कौन बैठे हुए हैं। तीनों की मूर्तियाँ आप देख लीजिए और विराजमान हो गए हैं। हम भी दर्शन कर लिए, आप भी कीजिए और जय वैष्णो देवी का जयकारा जरूर लगाइए। यहाँ पे काल भैरव जी का दर्शन हो गया है, क्योंकि इनके बगैर वैष्णो देवी माँ का दर्शन अधूरा माना जाता है। और नवरात्रि का पर्व है तो दुर्गा मैया की प्रतिमा के बगैर पंडाल अधूरा रहता है। तो चलिए पंडाल की तरफ चलते जाते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे जगह जगह सेल्फी जोन मिल जाएगा, जहाँ पे लोग अपने मनपसंद से सेल्फी फोटो ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सेल्फी जो लगा हुआ है यहाँ पे। पंडाल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मेरे को तो। क्या आपने गया है, और नहीं गया होगा तो जल्दी चले जाना यार, मात्र 2 दिन बाकी है, उसके बाद तो निकल जाएगा। और ये है यहाँ का वैष्णो देवी वाले पंडाल का दुर्गा मैया, जो स्पेशल ही काउच में गणपति जी को बगल में बिठाए हुए माँ विराजमान हुई है। बहुत ही अच्छा लगा। बताओ आपको मोहिनी मूर्तियाँ कैसे लगी? हमें तो मूर्तियाँ भी अच्छी लगी, गुफा भी अच्छी लगी, और इस पंडाल की सजावट भी अच्छी लगी, बहुत ही प्यारा लगा। ये है राजनांदगांव के गंज मंडी सुमित बाजार मैदान पे, जहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, धान मार्केट लगता है, सुमित बाजार है वहीं पे। अब निकल जाते हैं, निकलने का रास्ता अलग है और वो भी रास्ता स्पेशल ही सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। अब इधर से हम निकलेंगे ना तो हमें मिल जाते हैं महाप्रसादी। यहाँ पे मिल रहा है भंडारा, जिसमें आप दोने से लेके चावल और जो सब्जी को मिला के पुलाव बनाए रहते हैं वही यहाँ पे बट रहा है, जो मैं आपको चलिए नज़दीक से दिखाती हूँ। ये रहे पुलाव, जहाँ पे आपको कोई सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को खाएंगे तो आपको सब्जी तीखा नमक मिर्ची सबका टेस्ट आएगा। इस तरीके से रहा वैष्णो देवी दर्शन का दर्शन और भंडारा प्रसादी। फिर आप मीना बाजार घूम सकते हैं, खरीदना है तो खरीद सकते हैं, झूला झूलना है तो झूल सकते हैं, कुछ खाना पीना है तो खा भी सकते हैं, और आराम करना है तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उसके चौराहे में बैठ के आराम कर सकते हैं। तो मेरा सफ़र तो ख़त्म हुआ, चलते हैं घर की ओर अब। तो फाइनली हम लोग वैष्णो देवी गुफा घूम चुके और आपको भी मैं दिखा चुकी हूँ, और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 बज गया है। हम लोग अभी घर पहुँचे हैं। भीड़ कितना है आप देख चुके हैं, सिर्फ वहाँ एक चीज की कमी है, जो है ठंडकता। हम लाइन तो वैसे ही लगे थे वैष्णो देवी में जैसे लगाया जाता है वैसी, मात्र वहाँ पे कूलिंग नहीं है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ही ठंडकता रहता है, वही की कमी है। फिर बाकी सेम हमें लगा कि हम वैष्णो देवी आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय माता दी।